कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए जीन। अब मान लो किसी जीन के दोनों एलील अगर सेम हो तो इस कंडीशन को कहते हैं होमोजाइगस। क्या कहते हैं? होमोजाइगस। अगर किसी जीन के दोनों एलील डिफरेंट हो तो दिस स्टेट इज कॉल्ड हिट्रोजाइगस। इसे हम क्या कहते हैं? हिट्रोजाइगस कहते हैं। और अगर फिर से दोनों के सेम हो एलील तो इसे इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। मैंने कल की क्लास में भी समझाया था, मैं इसलिए ब्रीफ में बता रहा हूं जिससे क्या है कि थोड़ा कनेक्ट कर जाओ आप वापस से। अब बात करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनके आउटर अपीयरेंस को, किसी भी ऑर्गेनिज्म की आउटर अपीयरेंस को, आउटर कैरेक्टर कैसे हैं उनके, उसे हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम फिनोटाइप कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन का कंटेंट है, जीन का जो कॉम्पोजिशन है, उसे हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगेन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, और फिर उसके ऊपर बेस्ट जो बेस्ट उसके लॉ है वो मैं समझाऊंगा। ठीक है।
अब बच्चों देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉप क्या है। बच्चों मेंडल ने क्या किया, दो प्लांट लिए, एक प्लांट लिया टॉल और एक प्लांट लिया ड्वार्फ। तो लंबाई के यहाँ पर कैरेक्टर क्या हो गया, लंबाई, और लंबाई के दो फॉर्म क्या हो गए, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। ड्वार्फनेस यानी कि ठिंगनापन। क्लियर होगी बात आपके। तो एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की स्टडी को करने के लिए दो प्लांट के बीच में जब क्रॉस किया जाता है, दिस इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस डन बिटवीन टू प्लांट, द क्रॉस डन बिटवीन टू प्लांट टू द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेट और वन कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसे हम क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, होमोजाइगस टॉल प्लांट लिया। और होमोजाइगोसिटी का कैसे पता लगाया, कि होमोजाइगस प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन किया पहले, और दो तीन जनरेशन तक देखा उनसे बार बार टॉल प्लांट ही उन्हें मिले। तो उससे ये श्योर हो गए कि ये जो प्लांट है अपने टॉलनेस के कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है। क्लियर होगी बात आपकी। ठीक है, सेकेंड जो सेकेंड प्लांट लिया मेंडल ने वो लिया ड्वार्फ प्लांट, और ये भी होमोजाइगस लिया। और ड्वार्फनेस की होमोजाइगोसिटी का उन्हें कैसे पता चला बच्चों, उन्हें ऐसे पता चला कि इस प्लांट का उन्होंने बार बार सेल्फ पॉलिनेशन किया, जिससे दो तीन जनरेशन तक उन्हें बार बार ड्वार्फ प्लांट ही प्राप्त हुए। तो उससे ये श्योर हो गए कि ये होमोजाइगस है अपनी ड्वार्फनेस के कैरेक्टर के लिए। क्लियर होगी बात। तो ऐसे दो प्लांट चूज कर लिए और इन दोनों का क्रॉस कराया, एक के पोलन ग्रेन दूसरे के ऊपर गिराए। तो बच्चों जो ये प्लांट है इसके अंदर जो गैमेट्स बनेंगे वो एक ही टाइप के एलील वाले होंगे, यानी कि जो गैमेट्स होंगे वो केवल कैपिटल टी एलील वाले होंगे। क्या होंगे, कैपिटल टी एलील वाले होंगे। जबकि जो ड्वार्फ प्लांट है इससे जो गैमेट्स बनेंगे वो स्मॉल टी एलील वाले होंगे, एक ही टाइप के सिमिलर एलील वाले गैमेट्स बनेंगे। इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होगा। तो जो फर्स्ट जनरेशन है जिसे हम कहेंगे F1 जनरेशन या फर्स्ट पीरियल जनरेशन कहेंगे, ये पहली पीढ़ी है। इसके अंदर जो जो प्लांट्स मिले मेंडल को वो सारे के सारे टॉल प्लांट थे। वो सारे कैसे प्लांट थे, टॉल प्लांट थे। लेकिन बच्चों इनमें ड्वार्फनेस का भी एलील है, इनमें क्या है, ड्वार्फनेस का भी जीन या एलील अवेलेबल है। क्लियर हो गई बात। तो मेंडल को ताजुब हुआ कि यार ये क्या बात है कि F1 जनरेशन में सारे के सारे जो प्लांट थे वो टॉल प्राप्त हुए, सारे के सारे प्लांट कैसे प्राप्त हुए, उनको टॉल मिले हैं। तो उन्होंने सोचा कि यार ड्वार्फनेस का कैरेक्टर कहां चला गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन के ऐसे दो प्लांट का क्रॉस करवाया या उनका सेल्फ पॉलिनेशन किया। तो यहां देखिए F1 जनरेशन के जो प्लांट है उनके अंदर जो गैमेट्स बनेंगे वो टू टाइप्स के बनेंगे, कैपिटल टी एलील वाले गैमेट एंड स्मॉल टी एलील वाले गैमेट। यानी कि इन प्लांट्स में जब मियोसिस होगा तो कैपिटल टी टाइप के और स्मॉल टी टाइप के एलील गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए F2 जनरेशन में क्या हुआ, ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये चेकर बोर्ड है। इस गैमेट का फ्यूजन जब इससे हुआ तो क्या मिला, कैपिटल टी, यानी कि ये जो प्लांट है ये होमोजाइगस टॉल है। इसका फ्यूजन जब इससे हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, टॉल है लेकिन हाइब्रिड टॉल है। ठीक है, इसका फ्यूजन जब इससे हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या है, हाइब्रिड टॉल है। और इसका फ्यूजन जब इससे हुआ तो स्मॉल टी, ये क्या है, होमोजाइगस ड्वार्फ है। ये क्या है बेटा, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। ठीक है ना, तो F2 जनरेशन के अंदर मेंडल को जो फीनोटाइप मिला, जो फीनोटाइप रेशो मिला वो क्या मिला, 3:1 मिला। यानी कि तीन प्लांट ऐसे मिले जो अपीयरेंस में टॉल थे और एक प्लांट ऐसा मिला जो ड्वार्फ था। यानी कि फीनोटाइप रेशो क्या आया मोनो हाइब्रिड क्रॉप का, 3 टॉल प्लांट और 1 ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, जीनोटाइप रेशो देखिए बच्चों, यहां जीनोटाइप देखिए कैपिटल टी है, ऐसा एक ही है यहां पर तो एक आ गया। कैपिटल टी स्मॉल टी जो हाइब्रिड टॉल है वो दो है, एक और दो, यहाँ 2 आ गया। और स्मॉल टी जो है वो एक ही है, यहाँ आ गया, ये होमोजाइगस ड्वार्फ हो गया। क्लियर होगी बात। तो बच्चों जो जीनोटाइप रेशो है वो क्या आया, 1:2:1। क्लियर है बेटा। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट है जीनोटाइप रेशो 1:1 आया। क्लियर होगी बात आपके। आप देख लीजिए चेकरबोर्ड और स्केच को देख लीजिए, क्लियर है। ठीक है, अब मेंडल ने ये जो रिजल्ट पाया इसके ऊपर बेस्ड इन्होंने अपने लॉ दिए।
मेंडल के जो लॉ है इन्हें हम क्या कहते हैं, मेंडलिज्म कहते हैं या मेंडल्स लॉ कहते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं इसके ऊपर बेस्ड आपको लॉ समझा देता हूं, मेंडल्स बच्चों, फर्स्ट लॉ है, इसके दो पार्ट है, लॉ ऑफ यूनिट ट्रेट और जो बी है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए बच्चों, मेंडल ने जो अपने लॉ दिए, मेंडल के लॉ को हम क्या कहते हैं, मेंडलिज्म कहते हैं। इस फर्स्ट जो लॉ है उसके टू पार्ट हैं, ए है लॉ ऑफ यूनिट ट्रेट। लॉ ऑफ यूनिट ट्रेट क्या है, ट्रेट मतलब लक्षण, ट्रेट का मतलब क्या होता है, लक्षण या कैरेक्टर। क्लियर होगी बात। तो मेंडल ने ये बताया कि सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कुछ फैक्टर होते हैं और एक फैक्टर एक ट्रेट को कंट्रोल करता है। समझ में आ गई बात आपकी, एक फैक्टर एक ट्रेट को कंट्रोल करता है। क्लियर होगी बात। इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ यूनिट ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ यूनिट ट्रेट। ओके, बी लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, मेंडल ने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जब टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस करवाया, ठीक है, तो उनको F1 जनरेशन के अंदर केवल टॉल प्लांट मिले, ड्वार्फ प्लांट मिला ही नहीं उनको F1 जनरेशन के अंदर। तो मेंडल ने इसे क्या कहा, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा। मेंडल ने ये कहा कि जो एलील या फैक्टर अपने ट्रेट को शो कर देता है या अपीयर हो जाता है उसका जो ट्रेट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट एलील एंड डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमिनेंट एलील या डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। क्लियर होगी बात आपके। और जो एलील अपने इफेक्ट को शो नहीं कर पाता है, अपने ट्रेट को शो नहीं कर पाता है, रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव एलील कहते हैं। और ऐसे ट्रेट को, ऐसे लक्षण को रिसेसिव लक्षण कहते हैं, रिसेसिव ट्रेट कहते हैं, हिंदी में अप्रभावी लक्षण कहते हैं। समझ में आ गई बात। दोबारा सुन लीजिए, मेंडल ने बताया कि जब दो डिफरेंट प्लांट को या ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करवाया जाता है या उनके बीच में क्रॉस होता है, तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो ट्रेट शो हो जाता है, जो कैरेक्टर शो हो जाता है, जो एलील अपने इफेक्ट को शो कर देता है, वो डोमिनेंट ट्रेट होता है, डोमिनेंट एलील होता है। और डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में जो एलील अपने इफेक्ट को शो नहीं कर पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव एलील कहते हैं। और उसके इफेक्ट को, उसके ट्रेट को हम क्या कहते हैं, रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। तो यहां पर टॉलनेस और ड्वार्फनेस के अंदर जो टॉलनेस का ट्रेट है वो डोमिनेंट होता है मटर के प्लांट में, पी प्लांट के अंदर, और जो ड्वार्फनेस का जो ट्रेट है पी प्लांट के अंदर वो रिसेसिव ट्रेट होता है। वो क्या होता है बेटा, रिसेसिव ट्रेट होता है। क्लियर होगी बात आपकी। चलिए सेकेंड जो लॉ है, ये तो हो गया फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ देखते हैं बच्चों। सेकेंड लॉ बताया उन्होंने, बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ठीक है, सेकेंड लॉ का नेम क्या है बच्चों, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ठीक है,
बच्चों आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखा कि F1 जनरेशन के अंदर डार्कनेस का ट्रेट शो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपने देखा F2 जनरेशन के अंदर जो डार्कनेस का ट्रेट है वो अलग से शो होता है। और उसका पता है आपको जीनोटाइप क्या आया था, अभी आपने देखा था स्मॉल टी आया था। क्लियर होगी बात आपके? तो मेंडल ने ये बताया कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, तो जो एलील है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। एलील क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं और इंडिविजुअली जो है गैमेट्स के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो जो रिसेसिव ट्रेट है और जो रिसेसिव एलील है वो F1 जनरेशन में शो नहीं हो पाया था। इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिसेसिव कैरेक्टर है या जो अप्रभावी कैरेक्टर है वो एक्सटिंक्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। F2 जनरेशन के अंदर जैसे ही उसे चांस मिलता है तो वो अलग से अपने इफेक्ट को शो करता है। तो हमें F2 जनरेशन में इसलिए जो ड्वार्फनेस का कैरेक्टर है वो अलग से मिला स्मॉल टी एलील वाले प्लांट के रूप में। क्लियर होगी बात? तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, यानी कि गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान जो एलील्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं और अलग से अपने इफेक्ट को नेक्स्ट जनरेशन में शो हो जाते हैं जब उन्हें चांस मिलता है। क्लियर होगी बात? इसको मैं ऐसे ले सकता हूं बच्चों, आपकी क्लास पूरी भरी हुई है, आपकी क्लास में बिल्कुल भी जगह नहीं है, पूरी भरी हुई है, सिर्फ एक चेयर खाली है और बाहर से दो लड़के आते हैं, दो बॉय आते हैं, एक उनमें बदमाश है, डोमिनेंट है, और एक सीधा साधा है, रिसेसिव है। क्लियर होगी बात? अब दोनों जाते हैं चेयर की ओर बैठने के लिए, लेकिन जो डोमिनेंट बॉय है, जो बदमाश लड़का है, वो उस चेयर के ऊपर बैठ जाता है, ठीक है, और जो सीधा लड़का है वो डोमिनेंट की प्रेजेंस में उस सीट पर नहीं बैठ पाता है। क्लियर होगी बात? तो यहां तो आ गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो जो सीधा बच्चा है वो पूरे साल खड़ा रहेगा क्लास के अंदर, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही उसे चांस मिलेगा, जैसे ही वो चेयर खाली होगी, वो वहां बैठ जाएगा, यानी कि जैसे ही अगले दिन या नेक्स्ट क्लास में वो बदमाश लड़का वहां से खड़ा हो जाएगा, तो जो सीधा बच्चा है वो, उसको चांस मिल जाएगा तो वो वहां पर शो हो जाएगा, वहां पर बैठ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो यही ये लॉ कह रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहता है कि जो डोमिनेंट एलील है वो अपने प्रभाव को नो डाउट F1 जनरेशन में शो कर देता है, लेकिन जो रिसेसिव एलील है, जो रिसेसिव ट्रेट है, वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जैसे ही उसे चांस मिलता है तो वो अपने प्रभाव को शो कर देते हैं। क्लियर होगी बात? तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। ओके बेटा, चलिए तो मैं ये रफ करता हूं। यहां तक बच्चों किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे को, आपको किसी को डाउट है क्या, कुछ यहां तक के टॉपिक में कोई डाउट है क्या बेटा? अगर डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स लेते हैं। बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक था मेंडल के एक्सपेरिमेंट का, डाई हाइब्रिड क्रॉस, वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, बड़ा टॉपिक है। आज थोड़ा सा टाइम बाकी है तो उसमें हम ये कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको, मेल जो ह्यूमन मेल होता है उसके अंदर 44 प्लस XY क्रोमोजोम पाए जाते हैं, जबकि ह्यूमन फीमेल्स के अंदर 44 प्लस XX क्रोमोजोम पाए जाते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब देखिए, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जब मेल के अंदर, पुरुष के अंदर जब स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, मियोसिस, ठीक है, तब क्या होते हैं, एक स्पर्म के अंदर 22 प्लस एक्स क्रोमोजोम्स आ जाते हैं और आधे स्पर्म्स के अंदर 22 प्लस एक्स और आधे स्पर्म्स के अंदर 22 प्लस वाई क्रोमोजोम आ जाते हैं। दोबारा देख लीजिए, मेल के अंदर 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोजोम होते हैं,
जब टेस्टिस के अंदर मियोसिस होता है तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। आधे स्पर्म जो होते हैं उनमें 22 प्लस एक्स यानी कि 44 का आधा 22 और एक्स वाई में से एक एक्स इधर आ गया और 22 आधे क्रोमोसोम इधर आ गया और वाई क्रोमोसोम इधर आ गया। तो आधे जो स्पर्म्स होते हैं वो 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम वाले होते हैं और हाफ जो स्पर्म्स होते हैं वो 22 प्लस वाई क्रोमोसोम वाले होते हैं ह्यूमन मेल के अंदर। अब बात करते हैं फीमेल की। जो फीमेल्स है फीमेल के अंदर जो ओव्यूम बनते हैं वो एक ही टाइप के क्रोमोसोम वाले होते हैं 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स ठीक है। फीमेल के अंदर 44 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं 44 का हाफ 22 और 22 इधर एक एक्स इधर एक एक्स इधर यानी कि 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम वाले जो है ओव्यूम या एग बनते हैं। क्लियर होगी बात आपके। अब देखिए बच्चों जब इस स्पर्म का फ्यूजन जब इसका फ्यूजन इससे होता है तो क्या बनेगा 44 प्लस एक्स एक्स ठीक है यानी कि ये क्या होगी गर्ल होगी लड़की होगी। ये जब इसका फ्यूजन इससे होता है तब क्या बनेगा 44 प्लस एक्स एक्स ये भी क्या होगी गर्ल होगी ठीक है बेटा। जब इस स्पर्म का फ्यूजन इससे होगा तो 22 44 एक्स एंड एक्स 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 तो 44 प्लस एक्स एक्स ये क्या होगी बेबी गर्ल होगी ठीक है बेटा। फिर इसका फ्यूजन जब इस ओव्यूम से या एक्स से होगा तो 22 44 एक्स एंड एक्स 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 44 प्लस एक्स ये भी क्या होगा बेबी गर्ल ही होगी दोनों ठीक है ना। तो यहां लड़की पैदा होगी। अब देखिए जो 22 प्लस वाई क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है ये जब इससे फ्यूज होगा तब क्या होगा 44 प्लस एक्स वाई यहां क्या होगा बॉय प्रोड्यूस होगा और इनमें ये बॉय होंगे यानी कि वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म जब फ्यूज होगा एक्स से तो बॉय प्रोड्यूस होता है और एक्स क्रोमोसोम वाला जब स्पर्म फ्यूज होता है एक्स से तो गर्ल प्रोड्यूस होती है यानी कि ह्यूमन के अंदर लड़का होगा या लड़की होगी इसके लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है मेल यानी कि फादर रेस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि उनके अंदर दो टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से बच्चों ह्यूमन बींग के अंदर जो है सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है कि जो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जब फीमेल की बॉडी में जाते हैं तो कोई एक स्पर्म जाके ओव्यूम को फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज करता है फ्यूज करता है। अब ये डिपेंड करता है कि स्पर्म कौन सा है। अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म है तो गर्ल प्रोड्यूस होगी बेबी गर्ल होगा और अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज होता है तो बॉय होगा ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ह्यूमन बींग के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है और 50-50% चांस रहते हैं। क्या चांसेस रहते हैं बच्चों लड़का होने या लड़की होने के क्या चांसेस हैं 50% चांस है। ये चांस इंसिडेंट है कि कोई एक स्पर्म जाके ओव्यूम को फर्टिलाइज कर पाता है या कर देता है ठीक है बेटा। तो 10th क्लास आज मैंने आपको एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उसके लॉस एक्सप्लेन कर दिए और एक आपको सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग में एक्सप्लेन कर दिया है। डाई हाइब्रिड क्रॉस अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ लीजिए। थैंक यू। Thank you.